beginning it was like we were good to each other. तो ये जो हमने पानी ले लिया है 1.5 लीटर का, ये पड़ा हमको 5,500. यहाँ पे जो है सनशिप वगैरह ये सब बिक रहा है. पीछे बहुत सारे रेस्टोरेंट है और ये बीच से लगते ही रेस्टोरेंट है. तो आप यहाँ आकर जो है ना खाने पीने का लुत्फ उठा सकते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. तो अभी हम हैं कुटा में और हम आज जो है साइट सीइंग करने के लिए जा रहे हैं. तो अभी हम जो है तैयार होकर अपने होटल से निकल गए हैं और आगे जो है कुटा बीच की तरफ बढ़ रहे हैं. तो हम जो है कुटा बीच पहुंच गए हैं. ये सामने मेरा बीच दिख रहा है और हमारा होटल जो है मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा नहीं है. ये सामने रोड बीच रोड है, बीच रोड को क्रॉस करके फिर आप बीच पे जा सकते हैं. कुटा में आएंगे तो हमारे पीछे देखिए ये बीच रोड है और यहाँ से जो है ना कुटा बीच है. तो बीच रोड के किनारे आप जो है चल सकते हैं. साइड साइड में पार्किंग है और ये सामने कुटा बीच है. बहुत शानदार बीच में से एक है कुटा बीच. पानी जो है एकदम बिल्कुल नीला है, आप सामने देख. वेलकम कुटा बीच. यहाँ पर जो है लोग ज़्यादातर लोग सर्फिंग करने के लिए आते हैं और अगर आप सर्फिंग के शौकीन हैं, अगर आपको आता है तो आप सर्फिंग कर सकते हैं. और यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा जो यूरोपियन जो है वो लोग आते हैं और उन लोग जाकर यहाँ आके ना ज़्यादातर सर्फिंग करते हैं. तो सर्फिंग के लिए जो है मशहूर है कुटा बीच. तो अभी सुबह के 10 बजे हैं और 10 बजे जो है हम बीच पर खड़े हैं कुटा बीच पर और ये बड़े सारे फॉरनर्स जो यहाँ पर हैं. नॉर्मल बीच की तरह है, यहाँ बैठिए. अगर आप स्विमिंग वगैरह करना चाहते हैं स्विम कीजिए और नारियल पानी पीजिए. बस लोग रिलैक्स कर रहे हैं जैसे गोवा बीच पे करते हैं, वैसे ही यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं. अभी जो है हम बैठे हुए हैं कुटा बीच पर और बीच पे बैठ के जो है ना समंदर का आनंद ले रहे हैं और साथ में जो है हम नारियल पानी पी रहे हैं. हमें दिया है इसके अंदर जो है मलाई है इसका. ये अब बहुत ही ठंडा है, बस बैठ के पी रहे हैं और आनंद ले रहे हैं समंदर का. ये बिल्कुल फीलिंग गोवा वाली है यहाँ पर, जैसे गोवा बीच फीलिंग है वैसी है कुटा बीच. बस आज जो है बीच को एक्सप्लोर कर रहे हैं आज का दिन कुटा में और जो है सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं. पानी प्यास लग गया है तो यहाँ पानी लेने के लिए आए हैं. देखते हैं यहाँ पानी का क्या रेट है. बीच पे तो बहुत महंगा है. ये है 1 लीटर का 3,500 और ये है 4,500, ये है 3,500, 3,000 सब प्राइस है. बाहर के मुकाबले ऐसे यहाँ प्राइस जो है कम है, बाहर थोड़ा महंगा है.
तो बीच पे जो है लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे जो है ना आधा लीटर का पानी का जो है 10,000 मांगता है। हाँ, तो यहाँ पर जो है सस्ते मिल जाएगा, तो पानी लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमने पानी ले लिया है 1.5 लीटर का, ये पड़ा हमको 5,500 का, मतलब हो गया कि ये हमको पड़ा लगभग जो है 30 रुपये के आसपास, 30 रुपये से भी कम 1.5 लीटर। तो ये थोड़ा सस्ता है, यहाँ पे तो आधा लीटर लेंगे तो उसका जो है प्राइस वो 10,000 लेंगे, यानी 55 रुपये। तो हम बाहर से खरीद लेते हैं, ऐसे बहुत सारे 24/7 स्टोर है, वहाँ से आप पानी वानी खरीद सकते हैं। और बीच बीच पे जो है थोड़ा बचिए, क्योंकि लोग थोड़ा 4 गुना 3 गुना दाम लेते हैं, और पैसे बचाइए ऐसे मेरी तरह ही। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कितना खर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे जो है शंख सीप वगैरह ये सब बिक रहा, शंख तो है नहीं बट उसका है डिज़ाइन में, या घर में रखने के लिए सजावट के लिए, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे जगह जगह आपको मिल जाएंगी बिकते हुए। तो अब हम जो है लगियान बीच पे पहुंच गए हैं, ये कुटा बीच के बगल में ये लगियान बीच है, और ये भी बस सेम ही बीच है, सारे बीचेज यहाँ पर सेम ही है। पर भी जो लोग देखे पीछे जो है ना सर्फिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग सर्फिंग ही करने के लिए आते हैं इस बीच पर, ये सारे बीच पे लगभग सर्फिंग ही है। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं हम अगले बीच की तरफ। अब जो है समय बीच जाने के लिए हमने जो है टैक्सी मंगाई है, बाइक टैक्सी भैया जो आ गए हैं, और हम अब यहाँ से जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, और टैक्सी का किराया ओनली जो है 6,000 रुपया यहाँ का है, ज़्यादा महंगा है नहीं। अब हम पहुँच गए हैं ये सेमिनियक बीच पे, ये बहुत फेमस बीच है यहाँ का, कुटा के मुकाबले यहाँ बहुत शांति है, यहाँ पे जो भीड़ भाड़ कम है, और यहाँ पर भी लोग सर्फिंग का मज़ा ले रहे हैं बट वहाँ के मुकाबले थोड़ा कम है। और यहाँ पे जो होटल है ना बिल्कुल बीच के साथ ही लगता हुआ है होटल है, ये सारे जो है लग्जरी होटल है सारे बीच के साथ ही है, तो इन होटलों का जो है ना अपना ही बीच है एक तरह समझ लीजिए। यहाँ आते हैं लोग, इस पर बैठते हैं, इस तरह की चेयर लगी हुई है इस पर बैठते हैं और घूमते हैं, और यहाँ बैठ के जो है लोग चिल करते हैं, इनका अपना ये सारा है। नो थैंक यू। यहाँ जो है कोकोनट देखिए मिल रहा है, भाई साहब कोकोनट बेच रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू। यहाँ पर 4 बीच जो है फेमस है, कुटा, लगियान और 66 और ये सेम, ये 4 बीच जो है इस एरिया में एक के साथ एक ही है, और ये सारा जो है 5 किलोमीटर के एरिया में है, बहुत खूबसूरत है, एकदम बिल्कुल गोवा जैसी है। जैसे गोवा में आप एक तरफ से कैंडलूम से शुरू होते हैं और सीधे जो है बागा तक पहुंचते हैं, उसी तरह सेम यहाँ पर भी है। हाँ, और बीच भी एकदम जो है उसी तरह है, और एकदम सनलाइट यहाँ बहुत तेज़ है, थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी है। सेमिनियक बीच पर आएंगे तो आप पीछे देखेंगे, हमारे पीछे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, और ये बीच से लगते ही रेस्टोरेंट है, और ये बीच रेस्टोरेंट भी है दोनों तरफ, ये देखिए बीच पर भी रेस्टोरेंट है, ये सारा रेस्टोरेंट जो है बीच पे है, बिल्कुल बीच रेस्टोरेंट है ये, और इस तरफ भी रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ आकर जो है ना खाने पीने का लुत्फ उठा सकते हैं। Strangers again, strangers again, strangers again.
होटल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज है। तो जो है अब हम वापस अपने होटल आ गए हैं क्योंकि धूप तेज थी तो इसलिए वापस आ गए, और हमको लगता है कि ये ब्लॉग कुछ लंबा हो जाएगा तो इसलिए आज का ब्लॉग अब हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।